अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। अभी रात का हो रहा है, 3 से ज़्यादा का टाइम हो रहा है। आप रात को ज़्यादा देर जागते रहने क्योंकि नूर आ गया है। आज की वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो सा उमर है ना, मेरा कज़न उमर जो भी गया था, उमर भी आज वापस आ रहा है। फिलहाल अभी हम सारे कज़न जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने, फिर उमर को लेने चलते हैं। अभी वीडियो करते हैं स्टार्ट बगैर टाइम वेस्ट किए हुए, पिज़्ज़ा खा के आते हैं। दूसरे कज़न ना सामने खड़े हुए। इसी तरह रात के 3:30 बजे हम 3-4 कज़न अरसलान भाई के साथ पास ही किसी रेस्टोरेंट में, एक रेस्टोरेंट हमें ऊपर नज़र आया और उधर हम पिज़्ज़ा खाने के लिए अंदर चले गए। अंदर जाते ही हमने सबसे पहले ऑर्डर दिया, पर जो सा रेस्टोरेंट था उसका क्लोजिंग टाइम था, वो बंद होने वाला था, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारा ऑर्डर ना एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर भी काफ़ी देर करने के बाद जो सा हमारा ऑर्डर था ना, हमने डोनर ऑर्डर किया था, हमारा डोनर आया और मैंने पेट भर के डोनर खाया। डोनर खाने के बाद हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले और देखा इतना ज़बरदस्त मौसम हुआ था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हमने सोचा क्यों ना इस बारिश को लेट नाइट ड्राइव के साथ एंजॉय किया जाए। और हम तकरीबन 1 घंटा गाड़ी पे घूमने के बाद सुफियान के घर वापस आ गए। बारिश में घूम के ना अभी घर वापस आ गए, सुफियान के घर वापस आए हैं। और अभी नूर साकिब वगैरह नहीं आए उमर को लेके, पता नहीं कब तक आएंगे। अभी टाइम तो 5:30 हो रहे हैं, रोशनी हो गई अच्छी खासी। अभी मैं और सुफियान इधर बैठ के ना टीवी लॉन्च में तो टीवी देख रहे हैं, मैं इधर नूर का वेट कर रहा हूँ। मैं इधर दरख्तों के दरमियान पता क्यों बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी ये नीचे से चिड़िया का बच्चा मिला, ये मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा, ये पता नहीं किसका बच्चा है, बुलबुल है क्या कहते हैं यार उसको, कबूतर की तरह कोई परिंदा होता है उसका है। तो ये मेरे ख्याल से इसके अंदर से गिरा है, इसके अंदर से। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको इसके अंदर डाल दूँ, फिर आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको यार इसके घर रखें। ओए इधर ये आ गया मुझे देखने, नहीं देना, ये नहीं देना, भाग जा। ये पता नहीं चिड़िया का बच्चा देख के आ गया। उस बच्चे को तो मैंने सही तरीके से इसके अंदर रखा है, पर वो उसके अंदर से फिर उड़ के ना उस सामने पौधे पे बैठ गया, ये बैठा हुआ सामने। मेरे ख्याल से इसने उड़ना सीख लिया, इसकी मर्जी, अब जिधर मर्जी जाए हम अंदर जाके ना तो सुफियान के पास बैठते हैं। ये जो दो परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनका बच्चा था, इनको पता नहीं क्या बुलबुल कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। खैर अभी नूर वगैरह का वेट करते हैं, फिर इंशाल्लाह नूर आता है ना फिर मैं कोशिश करूँगा, आज मैं आपको नूर से ज़रूर मिलाऊँगा इंशाल्लाह। One hour later. अभी टाइम हो गया है 7 से ज़्यादा, 7 बजने वाले तकरीबन उमर बस पहुँचने वाला है। मैं सुफियान सारिब जा रहे हैं यहाँ से मेरे घर, क्योंकि उमर वहाँ पे आने वाला है, वहाँ पे जाके ना उमर का वेलकम देखते हैं। यार उमर ये जा रहा पीछे सुफियान दौड़ा फूल लेके जो सा सुफियान ने फूल पकड़े हुए ना, ये नूर के ऊपर फेंक रहे थे, सुफियान ने पर नहीं फेंके, आप सुफियान फिर ले आए। ये कर रहे सुफियान पागल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्र हार भी मांग रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे कजन अंदर जाके भी बैठ गए हैं उमर के घर, और मेरे से ना दूध मंगाया, दूध लेने जा रहा हूँ, चाय शाय पीने वाले हैं। गाड़ी यहाँ पे सारी ना फूलों से भर दी है, ये सब किया सुफियान ने। चलो 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 चलाओ, इस बाइक पे जा रहे हैं और जाके ना दूध लेके आते हैं, नींद आई हुई काफी सर। अभी सुबह का वक्त है ना, सारा बाजार बंद है, एक शॉप खुली हुई है ये वाली, इधर से ले रहे हैं हम चीज़ें, सारी बाकी शॉप्स ना क्लोज हैं, चीज़ें पकड़ते हैं घर चलते हैं यहाँ से। चलो चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो सुफियान को शर्म मार के। इधर से पकड़ते हैं, Thank you.
चलो चलो स्कैन चलो। क्या यार घंटे घर चमक रहा है आज। केक रस भी पकड़ लिए हैं अब यार, जल्दी से चलते हैं जाके चाय पीते हैं। और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, नूर मेरे कैमरा मैन नहीं आना चाहता, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में लाने की। अल्लाह यार आज ये आ गए हम घर, और ये जो सब डॉगी देख रहे हैं ना ये अब बड़ा हो गया। ओए ये वाला ये जो सा डॉगी है ना, ये हमने शहर से बाहर गए थे किसी दूसरे शहर, हम ना जीटी रोड पे थे इस्लामाबाद के, ये ना हमें वहाँ पे मिला था किसी रेस्टोरेंट के बाहर ना पड़ा हुआ था। इसके जो उनसे माँ से ना उसका एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी के साथ हिट हुई थी और वो साइड पर पड़ी हुई थी, उसके ऊपर किसी ने कवर शवर किया हुआ था। तो उसके पास एक छोटा सा डॉगी बैठा हुआ था, इसको ना पोलियो हुआ था, इसकी टांगें नहीं थी सीधी, इसको इधर आके इसको हमने प्लस्तर वगैरह कराया और उसकी अब टांगें सीधी हो गई हैं और ये बड़ा भी हो गया। अब ये चला गया वापस, वो चला गया प्लॉट की तरफ। उम्र के घर चाय पीने के बाद हम घर वापस आ गए थे। मैं घर आके ना सो गया था, नींद पूरी की थी और अभी उठा थोड़ी देर पहले, और बाहर मौसम काफ़ी मजे का हुआ है। आज संडे है, ग्रुप में लिबास वगैरह आए हुए हैं, जो सा अपना शंकिया ना उसको इधर बांध दिए घर वालों ने, ये खुश हो रहा है इधर घास खा रहे, क्योंकि घास यहाँ पे साइड में कटे हुए हैं यार। बाकी ग्राउंड में चलते हैं जाके तो क्रिकेट खेलते हैं, फ्रेश होते हैं। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई हमारे ये खड़े हुए, क्या हाल अब्दुल्ला क्या हुआ है? अब्दुल्ला कुछ बोल नहीं रहा, ग्राउंड में ना मैच चल रहा है उधर, क्रिकेट का टेबल है मेरे ख्याल से, काफ़ी रोनोशन कोई भी है यार। ऐसे मैच खेलने का दिल करता है, ऐसा मैच मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा मैच हम खेलना एक बार जिंदगी में, मज़ा ही आ गया, खेलेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ अदनान है और वो बैटिंग में मूसा आया हुआ है, और ये जुबैर भी आ जाएगा। इधर मैच लगा हुआ है, लुकमान को ना छक्के पहाड़े बच्चों से, और कोल्ड ड्रिंक लगी हुई आज भी। चौका चौका चौका, ग्राउंड से क्रिकेट शिकेट खेल के घर वापस आ गए, कोल्ड ड्रिंक हम जीत गए थे, अब्दुल्ला वगैरह को ना कोल्ड ड्रिंक पार गए थे, और उस शंकी को ला के इस तरह बंद है। और अभी ना घर मेहमान आए हुए हैं, नूर वगैरह उमर इन सब के ना दावत करनी थी, सारे कजन आए हुए हैं, बैठ के ना खाना शाना खा रहे हैं, खाना शाना खाते हैं और गपशप करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। शंकी आ गए, इसको बस ये है मुझे कोई मालिश करे। ऐसा करते हैं यार, खाना खाते हैं पहले फिर मिलते हैं। अच्छा बॉयज हम सब ने खाना खा लिया है, अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, मैंने कोई इतनी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सारे कज़न थे वगैरह फैमिलीज वगैरह थे साथ और खाने खा रहे थे, बस उधर ही ध्यान था। बाकी अभी टाइम काफ़ी हो गया, जो हमारा शंकी है ना इस तरह सो रहा अपने टेडी बियर के साथ, सो जा। अब इसको अंदर ले कर चलती है, ठीक है। बाकी आज की वीडियो करते हैं यहाँ पर खत्म, मिलकर तुम आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात का शेयर मुख्तिस सारी वीडियो मुख्तिस सारी एक लाइन लिखी है कि क्या ज़िंदगी है कि कोई सालों बाद परदेश से आ रहा है, क्या ज़िंदगी है कि कोई सालों बाद परदेश से आ रहा है और कुछ सालों के लिए परदेश जा रहा है। अल्लाह हाफिज़।